इसका एक बार है ना आप लोग साउंड चेक करो यार, ये सही, ये फील कहाँ पर भी नहीं मिलता है। हेलो होमेज, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई लोग, बहुत दिन के बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ, तो चेक करो अपने बीस्ट, और बीस्ट में थोड़े से मोड़ के चेक करो, यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल लगाया हूँ, और यहाँ पे डालो जय श्री राम, और अपना इंस्टा आईडी डालो यहाँ पर MH Rider 43। बस अभी जा रहे हैं हम लोग यहाँ से भाई के घर की इधर। तो भाई लोग, आपको जो सरप्राइज़ दिखाने का था, तो ये चेक करो सरप्राइज़। अभी आपको थोड़ा सा दिखाया, पूरा दिखाता हूँ, बस ये चेक करो सरप्राइज़। BS4 Duke 390 फुल मॉड, और ये ली अपने फरहान भाई ने, और ये चेक करो एक्रापोविक का एग्जॉस्ट है, और ये भाई की बीस्ट, बीस्ट का भी वाइज़र निकल दिया। और भाई लोग, एक बात बताने की भूल गया था, वो तो आपको सरप्राइज़ दिखाया, और भाई ने और एक सरप्राइज़ ले लिया, ये चेक करो Gen 1 Duke 390, Gen 2 और Gen 3, और अभी इसको राइड अपन करने वाले। तो बस भाई के घर के यहाँ से अपन निकल गए, और ये अपने साथ NS भी आ रही है, चलो देखता हूँ। भाई बोल रहे इसका ब्रेक नहीं लग रहा है, ब्रेक का भी देखते अपन। भाई यार Gen 1, ये भी क्या पावरफुल बाइक है। ये भी सिग्नल अभी चेक करो, छूटने वाला है, अभी चेक करो भाई का दूंगी भी। भाई लोग ये चेक करो, अभी हम लोग जाने वाले, बस अपना एक स्टंट पॉइंट है, उस स्टंट पॉइंट पे भाई वहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले, थोड़ी अपन भी देवड़ी देखते हैं प्रैक्टिस अपने से हो पाती है कि नहीं। बस यार ये एक बात का डर लगता है कि न्यू Duke 390, और इस पर मैं वीली अपने को प्रैक्टिस नहीं, भाई कैसे फुल प्रोफेशनल है, पर अपन अगर इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो भाई शॉर्ट हो जाएगा, बस इसीलिए अपन इस पर ट्राई नहीं करते। और एक तो भाई पावर इसमें बहुत ज़्यादा है, पलटे होने का डर लगता है। इसका एक बार है ना आप लोग साउंड चेक करो यार, ये फील कहाँ पर भी नहीं मिलता है। बाइक का स्टॉपी चेक करो, वाव सही था, एक नंबर था भाई। हेलमेट का, वाइजर का, वो स्टॉपी किंग, क्या स्टॉपी ली भाई ने, अभी भाई भी नहीं लेने वाले मेरे को पता है। देखे गए बिजली के साथ मेरे को,
तो भाई लोग ये चेक करो, ये भी इसको अपन चलाने वाले अभी, तो फुल लोडेड एंड फुल मॉड है। तो और एग्जॉस्ट का फील अभी आप चेक करो, ये क्या बैकफायर दे रही है, तो भाई बस मचा रहे बिजली, चेक करो भाई। एक नंबर भाई भाई ने भी लिया अभी। और यार इसको चलाने का फील होता है भाई, कि भाई की मिल गई भाई, क्या बैक फायर दे रही है भाई, पीछे करो और भाई देखो स्टॉप फी। इसमें भी भाई 390 यार। तो भाई लोग ये चेक करो, भाई की बीस्ट फुल मॉड है और फुल लोडेड है। और इसका थोड़ा सा एग्जॉस्ट सुनाते आपको, और भाई एक शॉट हो गया भाई लोग थोड़ा सा, अपने जो पीछे जेन वन की ड्यूक 390 थी ना, उसका मैक व्हील टूट गया बोलते हैं, क्या शॉट हुआ चलो देखते यार। अब भी तो मैं ही वो बाइक को चला के लाया हूँ, बस भाई लोग ये चेक करो, सामने अपने भाई खड़े, भाई राइड कर रहे थे, भाई का फोन आया, क्रैश हुआ कि शायद से मैक व्हील टूट गया बोले तो क्रैश हुआ रहेगा, चेक करते यार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ भाई। भाई चेक करो क्या हो गया यार, शिट 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 भाई, मैं गिरा रहता तो निशान देते, शिट ये चेक करो, ये भी बैंड भाई। भाई लोग ये चेक करो, मैं और फरहान भाई ना थोड़े से आगे गए, तो भाई ये चेक करो क्या कितना बड़ा क्रैश हो गया है यार, व्हील पूरा फूट गया, अचानक से व्हील फूट गया बोलता है भाई, भाई राइड कर रहे थे, ये चेक करो भाई, पीछे का भी व्हील और आगे का भी व्हील चेक करो, और भाई लोग यहाँ पे चेक करो, मैक व्हील टूट गया पूरा, ये चेक करो, और भाई देखो भाई फिर भी बाइक चला रहे, फिर भी भाई लोग ये चेक करो, ये शॉर्ट हो गया कि उसका मैक व्हील टूट गया, और ये चेक करो अपने 20। तो बाइक को मेरा सबसे कम वेट है, इसलिए वो बाइक को मैं ही चलाने वाला हूँ अभी, उसको कैसा तो घर तक पहुँचाने का है बस, और कुछ नहीं, स्लो स्लो चलाने पड़ेगा। ये चेक करो इसका, देखो चेक करो फिर से, ये चेक करो मैक व्हील टूट गया, और मेरा वेट कम है इसके लिए इसको मुझे ही चलाना पड़ रहा है। तो बस ब्लॉग पे यहाँ पर ही एंड करते, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।